छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में बीजेपी के नारायण चंदेल ने अलग अलग मसलों को उठाया है और साथ ही उन्होंने अवैध बिक्री, अधिक कीमत और नकली शराब बेचे जाने का मसला जोर शोर से उठाया, जिस पर आबकारी मंत्री ने कहा कि कुछ जगहों से शराब की दुकानों में स्तरहीन और घटिया शराब बेचे जाने की शिकायत मिली है, जिस पर कार्रवाई की गई है। तो वही बीजेपी ने कहा कि राज्य में किसान त्रस्त हैं। बीते 3.5 सालों में 372 किसानों ने आत्महत्या की है। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि दोगुनी कीमत पर किसानों को खाद और बीज खरीदना पड़ रहे हैं, साथ ही बिजली की अघोषित कटौती से भी किसान परेशान हैं, जिसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि खाद बीज की कमी की वजह से किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की है। 7 लाख क्विंटल बीज का आवंटन किसानों को किया जा चुका है, यह पिछले वर्ष से 4% ज्यादा है। केंद्र से जितनी मांग की गई थी, अप्रैल महीने में केंद्र ने मांग की तुलना में 55% कम आवंटन किया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में बीजेपी के नारायण चंदेल ने शराब की अवैध बिक्री, अधिक कीमत और नकली शराब बेचे जाने का मामला उठाया। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ रायपुर से स्वाति कौशिक जी, छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ, इस समय लाइव जुड़ी हुई हैं। स्वाति जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज सदन में भूपेश बघेल ने ये जानकारी दी है कि टीएस सिंहदेव का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। जी पल्लवी, देखिए अभी लगभग एक हफ्ते से प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल है वो बहुत गर्माया हुआ है। गर्माने के पीछे का रीजन यही था कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी है, उन्होंने अपने उनके पास 3 महत्वपूर्ण विभाग थे, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और जीएसटी। तो उसमें से उन्होंने अपना जो पंचायत विभाग का कार्यभार है वो छोड़ने की पेशकश की थी, लगभग 4 पन्नों का लंबा पत्र लिखकर। वो पत्र सीएम साहब को उन्होंने लिखा था और उस दिन से लेकर आज सुबह तक विधानसभा में भी यही सारे प्रश्न उठते रहे कि उनकी जगह अगर आप इस चीज को, उनके दिए हुए पत्र को स्वीकार नहीं करते हैं, उनको पद से मुक्त नहीं करते हैं, तो कौन उस विभाग का जवाब देगा। तो आज सुबह तक इन सारी चीजों को लेकर राजनीतिक बहुत गरमाया हुआ था प्रदेश में भी और सदन में भी। तो इन सारी चीजों को विराम देते हुए अभी सीएम साहब ने थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले ही सदन में इस चीज को स्वीकार किया कि अब उन्हें पंचायत और ग्रामीण विकास जो विभाग छोड़ने की उन्होंने पेशकश की थी टीएस सिंहदेव जी ने, उसको स्वीकार किया जाता है और इस विभाग को अब उन्होंने प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री, कृषि मंत्री भी हैं रविंद्र चौबे जी, उनको सौंप दिया है। जी, टीएस सिंहदेव का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद जो कश्मकश की स्थिति में थी कांग्रेस, क्या वो अब सही हो जाएगा या जो दो धड़ों में बटी हुई थी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, उसमें कुछ कमी आएगी? देखिए, इसको इसमें अभी दो धड़ों में बटे हुए रहने की तो बात पल्लवी नहीं आ रही है फिलहाल, क्योंकि जब ये पत्र सामने आया था और ये पत्र सार्वजनिक होने के बाद हमने खबर भी चलाई थी कि लगभग 61 विधायकों ने, मंत्री और विधायक मिलकर लगभग 61 जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने एक पत्र हाईकमान के नाम लिखा था अनुशासनात्मक कार्रवाई की, जो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है उसके लिए कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने पत्र लिखा था। और फिलहाल प्रदेश में 71 विधायकों के साथ चलने वाली ये सरकार है, तो इसमें ये कहीं नहीं दिखता है कि दो धड़ों में बटने वाली बात आएगी, क्योंकि अभी भी बहुमत जो है वो कांग्रेस के पास ही है, सीएम भूपेश बघेल के पास है, ऐसा देखा जा रहा है वो 61 सिग्नेचर्स के बाद। ठीक है, अवैध शराब का मसला आज सदन में जोर शोर से उठाया गया है, उसके बारे में भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि कई जगह ऐसी हैं छत्तीसगढ़ में जहां शराब की जो दुकानें हैं वहां पर एक तो अवैध शराब बेची जा रही है, नकली बेची जा रही है और घटिया स्तर की बेची जा रही है। जी पल्लवी, देखिए आज सदन में कुछ मुद्दे जो रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं प्रश्नकाल में। एक प्रश्न इसमें से शराब वाला भी है और दूसरा प्रश्न अगर हम बात करें उसकी तो आवास वाला है, पीएम आवास योजना जो चलाई जा रही है पूरे देश भर में उसमें है। तो शराब वाले प्रश्न की अगर हम बात करें तो नारायण चंदेल जो विधायक है उन्होंने ये प्रश्न रेज किया था कि प्रदेश में कई जगह मिलावटी शराब बेची जा रही है और उस पर कार्रवाई किस ढंग से हो रही है, इसकी जानकारियां उन्होंने मांगी थी। तो पक्ष विपक्ष लगातार इसमें गलत शराब बेचने की और रेट से ज्यादा में शराब बेचने का आरोप विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा था, जिसका खंडन करते हुए पक्ष में मंत्री ने इस बात को कहा है कि अगर किसी भी शराब बेचने वाले के खिलाफ 5 से अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं
उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है और उससे कम शिकायतों पर, बहुतों के ऊपर अभी जांच भी चल रही है। तो ये जी जो पूरा सिस्टम है उसको बताते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, कहीं कहीं पर शराब में पानी मिलाने की शिकायतें मिल रही थी, तो उन शिकायतों का निराकरण करने के लिए उस पर काम चल रहा है। प्रदेश द्वारा जांच कमेटी बनाकर उनके जांच भी किए जा रहे हैं, ऐसा पक्ष द्वारा दी गई जानकारी है सदन की किसानों की समस्या पलट। को लेकर भी आज सदन में सवाल उठाए गए हैं, और जैसा कि जानकारी भी दी गई कि बीते 3.5 साल में 372 किसानों ने आत्महत्या की है। क्या कुछ वजह रही है ना आत्महत्याओं के पीछे, और क्या वाकई में किसानों की स्थिति दयनीय हो चुकी है छत्तीसगढ़ में? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति की बात करें तो प्रदेश सरकार जो है वो किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार खाद और बीज का विषय उठाते हुए लगातार प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रही है, क्योंकि विपक्ष विपक्ष में यहाँ पर बीजेपी की सरकार बीजेपी है, बीजेपी पार्टी ने यहाँ पे बहुत सारे आरोप आज प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर लगाए हैं कि खाद और बीज सही समय पर मुहैया नहीं हो पा रहा है। अभी खेती का किसानी का समय आ गया और 85% तक जो खाद और बीज जुबट जाने थे वो नहीं हुए। तो इस बीच में प्रदेश सरकार ने जानकारी देते हुए चीजों को क्लियर किया और अपने पक्ष की बातें भी रखी कि जहां जहां जरूरतें थी वहां वहां चीजों को पहुंचा दिया गया है, और कई ऐसी योजनाएं हैं प्रदेश में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है किसानों को लेकर, जिसको देखते हुए ये तो नहीं कहा जा सकता कि दयनीय स्थिति है। पर हाँ, ये विपक्ष का आरोप प्रदेश सरकार पर, कांग्रेस की सरकार पर जरूर है कि जो किसानों की मौतें हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनी हुई है। ठीक है, शुक्रिया स्वाति जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।